हनुमान, अगर आपको अपनी माता के प्राण चाहिए तो इसका अधिकार केवल कुबेर देव के पास है। आप उनसे अपनी माता के प्राण वापस ले सकते हैं। यमदेव धरती से तुम्हारी आत्मा यहाँ ला रहे हैं। अब हमारी पूजा अर्चना का भार फिर से तुम ही संभालोगी। कुबेर देव, कुबेर देव! हमने मारुति को ढूंढने के लिए सेनापति जी के साथ सैनिकों को भेजा था, किंतु मारुति कहाँ है कुछ पता नहीं चला। मारुति को तो हमें ढूंढना ही होगा, क्योंकि अंजना का अंतिम संस्कार तो मारुति ही करेगा। मारुति, 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 मारुति! आपकी बातें सत्य है हनुमान, क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं। मैं चाहकर भी आपकी माता को लौटा नहीं सकता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ही आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। हमने मारुति को हर जगह ढूंढा, किंतु वो कहां है कुछ पता नहीं चल पाया। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि मारुति के बिना ही अंजना का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नहीं, नहीं। अंतिम संस्कार मारुति के आने से पहले नहीं होगा, क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं। मैं चाहकर भी आपकी माता को लौटा नहीं सकता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ही आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, किंतु हनुमान, आपको यह कार्य यमदेव के यहां पहुंचने से पहले ही करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रभु, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, आप सबके भाग्य विधाता हैं। मैं आपके पास अपनी माता को वापस लेने आया हूँ। अपनी माता को वापस लेने आया हूँ। वापस लेने आया हूँ। पुंजक स्थला को दिए हुए श्राप का निवारण हो चुका है ब्रह्मा जी। इसलिए आप मेरी माँ को पुनर्जीवन दान दीजिए। महाराज बाली, मारुति का कुछ पता चला? नहीं महाबली काका, इस ओर तो मारुति का कुछ पता नहीं चला। मैंने भी पूरे गांव में पूछा, उसके सारे मित्रों से पूछा, किंतु मारुति कहां है कुछ पता नहीं चला। अब तो ऐसा लगता है काका कि मारुति के बिना ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कब तक हम मारुति की प्रतीक्षा करेंगे? महाराज बाली, संस्कार तो पुत्र केसरी भी कर सकते हैं, किंतु मारुति का अपनी माता का अंतिम दर्शन नहीं करना ये अच्छा नहीं होगा। और फिर मारुति कहाँ है
ये भी तो एक चिंता का विषय है। हाँ, आइए आइए चलते हैं। मारुति, मुझे मेरी मोल हटा दीजिए। प्रभो, आप तो स्वयं सर्वज्ञाता हैं, फिर इस तरह आपको अपनी माता के प्राण मांगने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मदेव, आप भाग्य विधाता हैं। इस सृष्टि को आपने ही रचा है। मैं एक पुत्र होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी माता को जीवित कर दें, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। प्रभो, क्या आप मुझे सृष्टि के नियम तोड़ने के लिए कह रहे हैं? ब्रह्म जी, एक बच्चा क्या जाने सृष्टि के नियम, उसे तो बस अपनी माँ की आवश्यकता होती है। मैं माता के लिए अपने परिवार को विलाप करते हुए नहीं देख सकता। प्रभो, ये आप कैसी वार्तालाप कर रहे हैं? आप इस मोह माया में कैसे उलझ गए? ब्रह्मदेव, कोई भी धरती का प्राणी बिना मोह माया के धरती पर नहीं रह सकता। जब प्राणी धरती पर जन्म लेता है तो वह तभी तक उस संसार में रह सकता है जब तक उसमें मोह माया होती है, अन्यथा उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु आप स्वयं संहारक देव हैं, किंतु ये अधिकार आपके पास है कि कौन सा प्राणी कब तक पृथ्वी लोक पर रहेगा। किंतु मैं संहारक देव नहीं, एक पुत्र के रूप में आपसे विनती करने आया हूँ कि मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दीजिए। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सृष्टि के नियमों को बाधित नहीं कर सकता, अन्यथा देव, दानव, मानव सभी का विधि के विधान से विश्वास उठ जाएगा। मुझे क्षमा करें प्रभु। महाराज, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही संस्कार होना चाहिए। हम जानते हैं पंडित जी, किंतु हम मारुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जामवन जी और महाराज बाली उसे लेने गए हैं, किसी भी क्षण लौटते होंगे। पता नहीं अभी तक लौटे क्यों नहीं। जामवन जी, महाराज बाली, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमने मारुति को हर जगह ढूंढा, किंतु वो कहां है कुछ पता नहीं चल पाया। कहीं किसी संकट में तो नहीं पड़ गया मारुति? केसरी,
पुत्र मारुति ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। उस पर कोई संकट नहीं आ सकता है। वो जहां भी होगा कुशल से होगा। वो सब तो ठीक है जामवन जी, किंतु अब क्या होगा? अंतिम संस्कार का समय भी बीता जा रहा है। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि मारुति के बिना ही अंजना का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नहीं, अंजना मारुति को बहुत प्यार करती थी। मारुति के लिए उसकी आत्मा तड़प रही होगी। अंतिम संस्कार मारुति के आने से पहले नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सृष्टि के नियमों को बाधित नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने भी हनुमान को मना कर दिया है, यह अच्छा नहीं हुआ। देवराज, मारुति अपने मां को लिए बिना जाने वाले नहीं है। हां देवराज, हनुमान महाबली है, शिवजी के 11वें रुद्र अवतार है, और यदि उन्हें क्रोध आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अग्निदेव, अब तो जो भी होगा सो प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवताओं, क्या हुआ? बहुत ही असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हो। हाँ देवर्षि, बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। रुद्रांश हनुमान अपनी माँ के प्राण वापस ले जाने के लिए हटकी हुए बैठे हैं। जो कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। नारायण नारायण। देवराज, वे भले ही रुद्रांश हैं, किंतु आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वे एक बालक भी हैं। और बालहट के सामने संसार में सभी को झुकना पड़ा है। नारायण नारायण। किंतु ब्रह्मदेव ने भी उन्हें मना कर दिया है देवर्षि। संसार में, सृष्टि में ऐसी विचित्र घटना पहले कभी नहीं घटी। हाँ देवर्षि, एक और तो हनुमान के बिना अंजना का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, और दूसरी ओर हनुमान अपनी मां के प्राण वापस लिए बिना नहीं जाएंगे, और उधर यमदेव शीघ्र ही कुबेर लोग पहुंच जाएंगे। यदि पुंजिक स्थला जीवित हो गई तो अंजना को जीवनदान नहीं मिलेगा, और यदि हनुमान वापस नहीं गए और अंजना का संस्कार नहीं हुआ तब क्या होगा? विचित्र घटना घट रही ब्रह्मांड में पहली बार। केसरी कहे मारुति के बिना होगा नहीं संस्कार। कि
इधर प्राण शक्ति बिन माँ के लिए जाएंगे नहीं हनुमान। न होगा संस्कार और न वापस होंगे हनुमान। उधर अंजना की प्राण शक्ति को यमराज लिए जाते हैं। कुबेर लोक जो पहुंच गए तो सब खेल खत्म हो जाते हैं। सब खेल खत्म हो जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएंगे। महाराज, अंतिम संस्कार में अति विलंब हो चुका है। यदि और विलंब हुआ तो देवी अंजना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अतः हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।